पखांजूर से खबर है, जहां प्रदेश में खाद की कमी के चलते पखांजूर में भाजपा ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव उसेंडी हुए शामिल। भारी मात्रा में भाजपा के सदस्य एवं किसान हुए शामिल। दरअसल अभी खेती का समय है और इस समय किसानों को खाद नहीं मिलने से किसानों को काफी नुकसान होगा। फसल की पैदावार में कमी आएगी, जिसके चलते लगातार भाजपा द्वारा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार भूपेश बघेल अपने आप को माटी पुत्र कहते हैं और आज पूरा किसान परेशान है। 2.5 साल पूरा हो जाने पर भी सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी की सरकार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से पल्लव मंडल की रिपोर्ट। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज धरना का मुख्य उद्देश्य आज छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को, क्योंकि ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो किसान है। आज खेती बाड़ी का पूरा समय है, लेकिन किसानों के पास खाद की पूरी कमी है। किसान अपना खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे इस बात को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के 90 स्थान में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सभी विधानसभा के एक स्थानों में है। आज विधानसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ पर हमारे नेतागण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को उठा रहे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का जिस प्रकार से कांग्रेसी सरकार बनने के बाद, और यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों के सबसे दयनीय जो स्थिति बनी हुई आज पूरे छत्तीसगढ़ में, इस परलकोट में अपने सत्तार विधानसभा में किसानों को कोई खाद भी नहीं मिल पा रहा, इस मुद्दे को लेकर के आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, और इसके माध्यम से सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय व्यवस्था ठीक करें, नहीं तो निश्चित रूप से 2023 में जनता उनको गद्दी से उतारने को तैयार है। आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। आज ना उनका ऋण माफ हुआ, ना समय से खाद मिल पा रहा है, और ना ही उनको समय से उनका धान का जो राशि मिलना था उसको भी कटौती की जा रही है सरकार के माध्यम से। कुल मिलाकर के एक कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आज सबसे बड़े इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आंदोलन का एक कार्यक्रम रखा गया।